लोगों को कोरोना की लड़ाई में मदद करेंगे। अभी तक लगभग 28 करोड़ भारतीयों को टीका लग चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। आज से पूरे देश में टीकाकरण का मेगा अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में आपको बता दें कि राजधानी पटना के हम इस वक्त अनुग्रह नारायण कॉलेज में मौजूद हैं और आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो हैं, इस केंद्र का उन्होंने जायजा लिया है और जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही साथ जो लोग भी यहाँ पर कोरोना का टीका लेने आ रहे हैं उनसे भी मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है और लोगों से यह भी पूछा है कि जिस तरह से आप टीकाकरण केंद्र पर आ रहे हैं तो क्या यहाँ पर आपको कोई असुविधा भी हो रही है। ऐसे में जब आज हमने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। पूरे देश में योग दिवस के दिन ये टीका लगाने का सघन कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा थी कि हम लोग सभी भारत सरकार के मंत्रीगण स्वयं जाएं वैक्सीन सेंटर पर। तो पटना मेरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है, तो मैं लगभग 5 सेंटर पर स्वयं जाऊंगा। मैंने अभी यहाँ से शुरू किया इन कॉलेज से और हम लोग उनसे मिलेंगे जिनको टीका लग रहा है, टीका कैसा लग रहा है, सुविधा है, जो लोग आराम करते हैं टीके के बाद उनसे मिलते हैं। 2-3 बातें आप लोग ध्यान रखें। पहले चाहे वो चेचक का टीका हो या पोलियो प्लस का टीका हो, वो बाहर से आता था और पोलियो प्लस का कार्यक्रम तो लगभग 20-25 साल चला था जब देश पोलियो से मुक्त हुआ था। प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हम लोग भारत में बने हुए टीके से देश के लोगों को कोरोना की लड़ाई में मदद करेंगे। पिछले साल अप्रैल में टास्क फोर्स बना 1920 में, जनवरी से भारत में बने हुए टीका उपलब्ध हो गए, कोवैक्सीन और फिर आपके कोविशील्ड और स्पुतनिक को भी परमिशन मिल गया है। अभी तक लगभग 28 करोड़ भारतीयों को टीका लग चुका है। बिहार में भी लगभग 1,60,00,000 लोगों को लग चुका है और जो टीका का उत्पादन होने का कार्यक्रम बना है, दिसंबर तक भारत में लगभग 180-185 करोड़ टीका का उत्पादन होगा और 18 साल के उम्र के जितने लोग हैं भारत के उन सबों को 2 डोज टीका लग जाएगा। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप लोग एक बात कभी नहीं भूलिए कि भारत की आबादी 130 करोड़ से अधिक है। इंग्लैंड की आबादी कितनी है? लगभग 7 करोड़। कनाडा की आबादी कितनी है? लगभग 3.5 करोड़। जर्मनी की आबादी कितनी है? लगभग 8 करोड़। अमेरिका की आबादी कितनी है? लगभग 33-34 करोड़। और भारत ने लगभग 28 करोड़ टीका लग गया और ये अधिकांश मेड इन इंडिया टीके हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा अभियान है। मैं लोगों से अपील करूँगा कि हिम्मत के साथ टीका लगाएं, इसका कोई खराब असर नहीं होता। हमने भी लगवाया है, आप देखिए हम लोग की यहाँ फोटो लगी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री टीका लगवा रहे हैं, नीतीश कुमार जी लगवा रहे हैं, मैं लगवा रहा हूँ, मंगल पांडे जी हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, हम सबों से अपील करेंगे जरूर टीका लगवाएं। और एक और विनम्र आग्रह है, माननीय राहुल गांधी जी, अभी तक देश को नहीं मालूम है कि आपने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया। आपने नहीं लगवाया तो आप ही लगवा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय जो बैठक बुलाई है, क्या एजेंडा रहने वाला है? सर्वदलीय बैठक जो बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, अब ये सब विषय बाद में बात करते हैं। 1 करोड़ लक्ष्य रखा गया बिहार के लिए महीने में। सर देखिए, फिर बात को समझिए, ये काम बहुत बड़ा है, मैंने पहले ही बताया ये काम बहुत बड़ा है, इसके लिए एक हिम्मत चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले, आपको मालूम है, पहले भारत सरकार ने शुरू किया, फिर कुछ कांग्रेस के लोगों ने कहा हम लोग को भी दीजिए, केजरीवाल जी ने कहा वो नहीं कर पाए, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि सारे 18 साल के ऊपर के लोगों को मुफ्त भारत सरकार टीका की व्यवस्था कराएगी और बाद में 25% जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी अवसर दिया गया है सर्विस चार्ज के लिए। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी संकल्प की विजय है और आपको मैंने बताया
लगभग 28 करोड़ टीके लग गए। लेकिन राहुल गांधी वहां भी जाएंगे, आज मैं जाऊंगा ग्रामीण क्षेत्र में जाऊंगा। तकनीक बिहार आ गई है, लेकिन कब से इंप्लीमेंट होगी? अब इसके बारे में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लोग बताएंगे। इतना मुझे मालूम है कि साल के अंत तक बिहार में भी लगभग 6 करोड़ प्लस टीका लगेगा। राहुल गांधी तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है। आपकी अपील का राहुल गांधी पर असर होगा? अब ये आपने बहुत बार ये बात बोली है। अब ऐसा है, हम तो उनसे अपील करते रहेंगे क्योंकि बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन सवाल खड़े करते हैं। हम तो उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। जो वो देश को ज्ञान देते हैं तो जरा सा एक बार देश को बता दें उन्हें टीका लगाया कि नहीं लगाया तो लगवा लें। तो आपने साफ तौर पर सुना केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि आज से पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी के लोग हैं उन्हें जो मुफ्त में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कोरोना का टीका है वो दिया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि बिहार सरकार इसे पहले ही से पूरे 18 वर्ष से लेकर जितने भी उम्र के लोग हैं उन्हें फ्री में ही जो कोरोना का टीका है वो दे रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वो जल्द से जल्द अपना जो कोरोना का टीका है वो ले, क्योंकि अगर आपको कोरोना महामारी से लड़ना है तो वैक्सीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।